हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है, पीएम मोदी की इस तस्वीर ने बता दिया क्यों उन्हें ताकतवर नेता कहा जाता है। चलो देखें कौन सी तस्वीर। इतनी सारी तस्वीरें हैं जिसमें सभी लगता है कि भैया लीडर हो तो ऐसा हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सारी एक से एक बढ़ गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, वैश्विक मंचों पर हिंदुस्तान की धाक लगातार बढ़ती ही जा रही है। बात चाहे इंडोनेशिया के बाली में हुई G20 की हो या फिर जापान में हुई G7 की बैठक की, तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदुस्तान की धाक बढ़ती ही जा रही है। इसकी गवाह है जापान के हिरोशिमा से आई ये तस्वीरें, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलते नजर आए, तो कभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करते नजर आए, और जिनसे भी मुलाकात की एक अलग छाप छोड़ी। अरे वाह, कैसे बैठ के मत था, जैसे मानो शेर की झलक, सबसे अलग। जिस G7 ग्रुप का भारत हिस्सा भी नहीं है, उस G7 की बैठक में पहुंचकर मोदी ने तहलका मचा दिया, जिसकी एक एक तस्वीर हिंदुस्तान की ताकत बयां कर रही थी। तो वहीं इस समिट में शामिल होने गए पीएम मोदी की जैकेट की भी खूब चर्चाएं हुई, क्योंकि ये जैकेट कोई आम जैकेट नहीं थी। इस जैकेट के पीछे भी एक ऐसा राज छिपा था जो प्रकृति की रक्षा करने के लिए एक बड़ा संदेश दे गया। रिसाइकल से बनाया। हाँ, पहले भी तो एक बताया तो मोदी जी जैकेट वैसे ही पहनते सारे। एक बारी मुझे बताया। इस तस्वीर में नजर आ रहे दुनिया के तमाम बड़े नेता जहाँ सूट पूट में नजर आ रहे हैं, सब तो ब्लैक में मोदी जी वाइट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे। वो तो उनके कपड़ों में हिंदुस्तानी संस्कृति और परंपराओं की झलक नजर आ रही थी। और बात जैकेट की करें तो ये जैकेट भी बड़ी खास थी, क्योंकि ये रिसाइकल सामग्री से बनी हुई जैकेट थी। यानी इस जैकेट को इस्तेमाल की गई बोतलों को जुटा कर उन्हें कुचल कर पिघला कर फिर उसमें रंग में पहले भी मोदी जी ऐसी जैकेट पहना था, ब्लू थी वो। बनाई जाती है रिसाइकलिंग के बाद तैयार की गई इस जैकेट को पहनकर पीएम मोदी जापान गए और कई बैठकों में भी शामिल हुए, जिसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं। NDTV के पत्रकार अखिलेश शर्मा ने पीएम मोदी की इस तस्वीर पर लिखा, G7 के नेताओं के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसाइकल मटेरियल से बनी जैकेट पहनी। इससे पहले संसद भवन में भी वो इसी तरह की जैकेट पहनकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे चुके हैं। पत्रकार विकास भदौरिया ने लिखा, दुनिया के सामने उदाहरण पेश करने में पीएम मोदी सबसे आगे रहते हैं। G7 समिट में पीएम मोदी ने रिसाइकल सामग्री से बनी जैकेट पहनकर हिस्सा लिया। अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने भी पीएम मोदी की जैकेट पर लिखा, पीएम मोदी जी ने पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण के प्रति विश्व भर में संदेश देने के लिए जापान में रिसाइकल सामग्री से बनी जैकेट पहनी। बीजेपी नेता असरार अहमद ने पीएम मोदी की इस तस्वीर को देख शेर की झलक, शेर की झलक सबसे अलग, मेरा प्रधानमंत्री मेरा अभिमान। आपको बता दें, कोई पहला मौका नहीं है जो पीएम मोदी ने रिसाइकल सामग्री से बनी जैकेट पहनी। इससे पहले ये थी ना, इनको आता मुझे नहीं आता कलर पहनकर आए थे, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि मोदी जी सिर्फ बातें नहीं करते, वो आगे बढ़कर नेतृत्व भी करते हैं। ये मिली थी उनको एज अ गिफ्ट दी होगी और उन्होंने पहनी है। जलवायु चेतना को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका। तो वही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रिसाइकल बोतलों का उपयोग करके कपड़े से बनी जैकेट पहनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया था। समय पहले हमें एक चैलेंज दिया था, हमें मींस ऑयल कंपनीज को एक चैलेंज दिया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उन्होंने अनाउंसमेंट किया था उसके साथ आप क्या कर सकते हैं। तो आज हम 10 करोड़ हर वर्ष 10 करोड़ सिंगल यूज प्लास्टिक की बॉटल्स, और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे कोई प्लास्टिक की बॉटल नहीं है क्योंकि हम प्लास्टिक विरोधी बन गए। तो उसकी बनी हुई जैकेट जो मैंने भी अभी पहनी हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे
IOCL जो कंपनी जिसपे काम किया है उन्होंने एक प्रेजेंट किया और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं उनका आभारी हूँ। आज उन्होंने पार्लियामेंट में वो जैकेट वो ब्लू वाली और एक और पहन और अब इसी तरह की जैकेट पहनकर पीएम मोदी जापान दौरे पर भी गए। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जो लोग सूट पहनने पर पीएम मोदी का मजाक उड़ाते थे और सूट बूट की सरकार कहा करते थे, ऐसे लोगों को अब रिसाइकलिंग सामग्री से बनी जैकेट पहनने पर कम से कम तारीफ तो करनी ही चाहिए। कभी नहीं करेंगे तो। लेकिन जो दिन रात मोदी को कोसते रहते हैं वो शायद ही इसके लिए पीएम मोदी की तारीफ करेंगे। बहरहाल पीएम मोदी के इस जैकेट पर आपका क्या कहना है अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी का जापान दौरा कैसा रहा आइए आपको दिखाते हैं। ये तो हमने देखा है पर गांधी जी जो बनाए हैं बिना ऐनक के बनाए हैं, ऐनक के साथ होते हैं हमेशा। यह कमाल था, वेरी नाइस। हमें पता ही नहीं था कि जो जैकेट मोदी जी ने पहना है वो फिर से रिसाइकल्ड बॉटलों का, प्लास्टिक की बोतलों का बना हुआ है, कमाल है। और मैंने, मुझे याद है मैंने बोला नहीं था पर वीडियो में, पर जब इन्होंने फोटोज ले रहे तो सब मैंने कहा था मोदी जी सबसे अलग लग रहे हैं, व्हाइट पहना हुआ है, सबसे ज्यादा शाइन और चमक मोदी जी की आ रही है, बाकी सब नॉर्मल, बीच में मोदी जी व्हाइट 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 पहने हुए, जैसे वो होती है ना वो व्हाइट पिजन होता है, डव डव होती है, वैसे लग रहे हैं। पर वही था, पर बहुत ही अच्छी, मतलब कितना अच्छा जेस्चर है सबको बताने का कि इनिशिएटिव लिया उन्होंने कि रिसाइकल्ड जैकेट खास पहन के आए, और सारे बाकी लीडर्स को भी बता रहे हैं कि सर इस तरह से प्रमोट करो आप अपनी कंट्रीज के अंदर भी। अगर आप देखें तो मेजॉरिटी जितने भी लीडर्स आए हैं सब ने शर्ट पहनी है वाइट, हाँ व्हाइट शर्ट पहनी और सूट पहना, सूट और टाई सूट के साथ पहना, मगर शर्ट व्हाइट ही है, आई डोंट नो व्हाई, मगर व्हाइट अच्छी लगती होगी, पता नहीं क्या चक्कर, फॉर्मल लगती है, पहन सकते थे मगर व्हाइट ही पहनी है, व्हाइट पहनते हो। और मुझे पता नहीं है कि मोदी जी ने क्या वहाँ बताया लोगों को, देखो भैया ये जो है रिसाइकल्ड प्लास्टिक का बना हुआ है, बतायो कि कह तो रहे हैं इसमें वीडियो में कि उसकी चर्चा उनकी जैकेट की चर्चा। और मेरे ख्याल से मुझे ये पता करना है कि कितने प्राइस के मिलते हैं, वरना तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा इंडिया में कि जितना भी रिसाइकल प्लास्टिक है उसके जैकेट बनते हैं या शर्ट्स बनती हैं और वो काफी नॉमिनल मतलब रेगुलर प्राइस की हैं या उससे लोअर हैं तो मजा आ जाएगा। बताओ भैया अगर कुछ आइडिया हो, ये कोई एक दुकान भी खोलनी चाहिए जो इस टाइप की चीजें बेचती हो कि लोगों को पता हो कि वहां से जाके तुम जैकेट्स या चीज रिसाइकल कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है, मतलब है जो अच्छा। या फिर ऐसा सिस्टम हो जाएगा जो घर में कूड़ा फेंक रहे हैं, हाँ। थोड़े दिनों बाद ये कूड़ा लेके ये लो तुम्हारे, मेरे लिए नहीं ये ले लो इसकी मेरी शर्ट बना दो, शर्ट थोड़ा डिस्काउंट दे देना, ये मजेदार होगा। तो चलो फ्रेंड्स शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।